जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। और मैं हूं फ्रेंड्स, राजेश। आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान मीडिया क्राइंग इज इंडियन नेवी टेस्टेड ब्रह्मोस इन सी बाय INS इम्फाल। पाकिस्तान को रोना धोना तो हर एक बात में होता है, वो भी मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ। लास्ट समय जब ब्रह्मोस का टेस्ट किया गया तो वो पाकिस्तान में जाके घुसी, फिर गवर्नमेंट को मतलब इंटरनेशनल जो लोग होता है उसमें आंसर देना पड़ा और प्रूफ के साथ दिया था, तो वो बात तो खत्म हो गई। इस बार जो है वो समंदर में टेस्ट किया गया है, तो उसको पता चल गया कि ये जो मिसाइल है कितनी ताकतवर है। चलो दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट। INS इम्फाल से पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करके नौसेना ने ताकत की एक नई मिसाल पेश की है। अरिहंत एक हमारी एक न्यूक्लियर सबमरीन है, उससे वो डेप्थ पे गई थी और वहां से उन्होंने मिसाइल अपनी टेस्ट करी है जिसने कि टारगेट को हिट करा था। और एक बेहतरीन न्यूक्लियर सबमरीन है, इट्स मेड इन इंडिया, भारत ने बनाई है। और अरिहंत का मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। अफसोस की बात है, हम सिर्फ मुंह से मिसाइल लॉन्च करते हैं और वो रियलिटी में मिसाइल लॉन्च करते हैं। अभी मेजर इकोनॉमीज हैं वो डरती हैं या बात नहीं कर रही या वो समझते हैं टेक्नोलॉजी काबिल नहीं है। ठीक है, इंडिया ने और ऐसे होते रहते हैं टेस्ट, एयरक्राफ्ट कैरियर से टेस्ट करना, न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट करना, और ये सब ऑल दीस टेस्ट आर कैरिड आउट। अर्जुन जी, वो इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ स्टेबिलिटी है, वो लोग जो हैं रोज हुकूमत बदलने के चक्कर में नहीं रहते। ठीक है, बस यही मेरे ख्याल में ये स्टेबिलिटी। ठीक, राइवल समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, तो सबसे पहला दुश्मनी का तकाजा है कि आप अपने आप को उस स्टेज पे रखो जिसमें आप सच में अपने आप को दुश्मन कहला सको। अदरवाइज हम इतने पीछे रह गए हैं कि आज हम ये क्लेम भी नहीं कर सकते कि वी आर इक्वल अपोनेंट्स आर इक्वल राइट्स। तो बड़े बड़े वेपन सिस्टम्स भारत खुद बना रहा है कि हर चीज में, एयरफोर्स में अब वो जैसे कि हेलीकॉप्टर्स हैं वो बन रहे हैं भारत में, अटैक हेलीकॉप्टर्स भारत में बन रहे हैं, दूसरे तो ध्रुव और रुद्रा तो थे ही कि फाइटर जेट्स बन रहे हैं, तेजस बना के फिर टेस्टिंग भी कर देंगे कुछ सालों में, हैवी फाइटर्स, ट्विन इंजन, ये सब भारत में बन रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब पूरा जो इकोसिस्टम है डिफेंस का वो भारत में तैयार हो रहा है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों कल INS इम्फाल से भारत ने पहली बार सक्सेसफुली ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग कंप्लीट कर ली है। यानी अब हम किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर, चाहे वो INS विक्रांत हो, चाहे वो INS अरिहंत हो, या फिर INS इम्फाल हो, इन सभी से हम ब्रह्मोस मिसाइल का सक्सेसफुली प्रयोग कभी भी मौके पर कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही भारत की ये टेस्टिंग कंप्लीट हुई, पाकिस्तान के बड़े बड़े डिफेंस जो ऑफिसर हैं वो बड़े चिंता में आ गए। कल मैं न्यूज़ भी देख रहा था, उनकी बहुत ज़्यादा परेशान है। और वो उनका तो एक ही है, उनका कहना एक ही है कि भारत अपने ताकत के नशे में पागल हो गया है, पैसे भारत के पास बहुत ज़्यादा आ गए हैं, भारत इसीलिए ये सारी टेस्टिंग कर रहा है, हमें डराने के लिए कर रहा है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हमारे पास जज्बा है, बेशक हम भारत से टेक्नोलॉजी में पीछे हो जाए लेकिन हम इस्लाम के नाते भारत से बहुत ज़्यादा आगे हैं। अब इन जाहिलों को कौन समझाए कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम भाई खुद भारत में रहते हैं। लेकिन खैर दोस्तों, हम मदरसे वाली सोच है तो हम बदल नहीं कर सकते हैं। लेकिन ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडियन नेवी कि उन्होंने ये करके दिखाया। DRDO को भी क्रेडिट जाता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने ये इतनी मेहनत की है। और भारत अब उन देशों में से हो गया जो बड़ी मिसाइलें अपने INS और एयरक्राफ्ट कैरियर से ही कंप्लीट कर सकता है। मेजर साहब, आपके इंडिया में एक न्यूक्लियर मिसाइल जो है उसको टेस्ट किया गया है, उसकी भी न्यूज आ रही थी कल, आपके टीवी चैनल्स वगैरह पे भी चल रही थी, आई थिंक INS कुछ है, तो वो क्या है मतलब? न्यूक्लियर न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट नहीं करी, न्यूक्लियर सबमरीन से एक मिसाइल टेस्ट करी। ओके, वो जी अरिहंत एक हमारी एक न्यूक्लियर सबमरीन है, उससे वो डेप्थ पे गई थी और वहां से उन्होंने मिसाइल अपनी टेस्ट करी है जिसने कि टारगेट को हिट करा था। और एक बेहतरीन न्यूक्लियर सबमरीन है, इट्स मेड इन इंडिया, भारत ने बनाई है। और दूसरी है INS अरिघात, वो भी भारत में ही बन रही है, वो भी बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी। और अरिहंत का मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। The meaning of Arihant is the destroyer of enemies. So ये हाँ इंडिया ने, और ऐसे होते रहते हैं टेस्ट, एयरक्राफ्ट कैरियर से टेस्ट करना, न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट करना, और ये सब ऑल दीज टेस्ट आर कैरिड आउट अर्जुन जी फ्रीक्वेंटली टू चेक द एफिकेसी ऑफ वेरियस सिस्टम्स।
और क्योंकि ये भी मशीन है, कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, 10 चीजें हो सकती हैं इसमें, तो उसको रेगुलरली हम लोग टेस्ट करते रहते हैं। दिस इज ठीक है, एक टेस्ट हुआ था मिसाइल का, वो मिसाइल का टेस्ट खत्म हो गया, दैट्स इट। बिल्कुल, इस किस्म के टेस्ट हम अक्सर सुनते रहते हैं कि इंडिया में होते रहते हैं, तो क्या इसकी वजह यह है कि आप लोग इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, या पहले जैसे इस किस्म की चीजें जो है वो रशिया से या किसी और कंट्री से ली जाती थी, तो अब इंडिया खुद कोशिश कर रहा है कि मेड इन इंडिया एक जैसे आपके यहाँ चला था, तो इसमें भी हथियार और मिसाइल्स या इस किस्म की जो आप जैसे बता रहे कि सबमरीन और ये सब कुछ खुद इंडिया खुद बनाना चाह रहा है, ताकि आगे कुछ साल के बाद जाके आप लोग भी उतने ही स्ट्रांग हो सके जितने। देखिए अर्जुन जी, ऐसा है कि इसका टेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। जब रशिया से इक्विपमेंट आती थी तब भी टेस्टिंग होती थी, पाकिस्तान भी करता है, चाइना भी करता है, अमेरिका भी करता है, चाइना भी करेगा, रूस भी करेगा, दुनिया में जो भी मुल्क है जिसके पास मिसाइल्स है वो टेस्ट करता है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि कन्वेंशनल वॉरहेड था, न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था जो टेस्ट हुआ है, सबमरीन न्यूक्लियर थे, वॉरहेड कन्वेंशनल था। तीसरी चीज यह है कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बात पकड़ी है कि देखिए सुपर पावर होने के कई वो होते हैं कि तब कंट्री को सुपर पावर, एंड वन ऑफ द थिंग्स इज दैट द कंट्री शुड बी एबल टू मैन्युफैक्चर इट्स ओन वेपन्स जो दुनिया को सप्लाई करे, तो उस अभी भारत उससे थोड़ा सा दूर है अर्जुन जी। हाँ, बड़े बड़े वेपन सिस्टम्स भारत खुद बना रहा है, लेकिन अभी भी उस लेवल पे भारत नहीं पहुंचा है जहां पे भारत को पहुंचना है, उसमें समय लगेगा और हो सकता है 10-15 साल लगे, पर जिस तरीके से मोदी जी चल रहे हैं मुझे लगता है कि 5-6 साल में निपटा देंगे सब ये, क्योंकि वो कहते हैं कि दिन में 8 घंटे की वर्किंग नहीं होती, 3 शिफ्ट लगाओ तो दिन में 24 घंटे की वर्किंग होती है, वो मोदी जी का माइंडसेट थोड़ा सा वैसा है, तो सब लोग उसी तरीके से काम करते हैं, तो मुझे लगता है ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हर चीज में एयरफोर्स में अब वो जैसे कि हेलीकॉप्टर्स हैं वो बन रहे हैं भारत में, अटैक हेलीकॉप्टर्स भारत में बन रहे हैं, सारे लोग पाकिस्तान और इंडिया की जो राइवलरी है उसको जानते हैं, तो मैं अगेंस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल व्यूज ये कहना चाहूंगा कि ये एक अप्रिशिएबल चीज है जो कि इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी को जो है बूस्टअप कर रही है, हमें उनसे कुछ सीखने की जरूरत है। हम हमेशा ये रट लगाए बैठे हुए होते हैं कि इंडिया जो है वो हमें हमारे साथ लड़ने के लिए, पाकिस्तान की तबाही के लिए सारी चीजें बना रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये मॉडर्न एरा है, 21st सेंचुरी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो वो डेवलप कर रहे हैं और हमें उनसे कुछ सीखने की जरूरत है। सो दैट्स व्हाई आई विल अप्रिशिएट इंडिया। और दूसरी बात की मैं पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं और विद द सिस्टम, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें उनसे कुछ सीख के हमें भी कुछ आगे डेवलप करने की जरूरत है। आपने कहा कि हमें जरूरत है इंडिया से, हम सीखें, हम उसे अपना दुश्मन मुल्क तो कहते हैं लेकिन दुश्मन मुल्क से कुछ सीखते नहीं है, क्या वजह है? हम इंडिया को रोज बरोज तरक्की करते हुए तो देख रहे हैं, हम उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, लेकिन उनसे कुछ सीखते नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो है बहसियत कौम यूनाइटेड नहीं है, एक बात। दूसरी बात, वी आर मैन ऑफ वर्ड्स नॉट मैन ऑफ डीड्स, दैट्स वाई हम हमेशा पीछे रहते हैं। अगर आप किसी को राइवल समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, तो सबसे पहला दुश्मनी का तकाजा है कि आप अपने आप को उस स्टेज पर रखो जिसमें आप सच में अपने आप को दुश्मन कहला सको, अदरवाइज हम इतने पीछे रह गए हैं कि आज हम ये क्लेम भी नहीं कर सकते कि वी आर इक्वल अपोनेंट्स आर इक्वल राइट्स। तो बहुत सारे लोग ये बात सुन के खफा भी हो सकते हैं, माजरत के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें कुछ करने की ज़रूरत है, हमें कुछ डिवेलप होने की ज़रूरत है। आज देखो हमारा मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट के दहाने पर आके खड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ आवर ओन राइवली। यहाँ पे पीएम से लेकर पीएम तक हर बंदा करप्ट है। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि हम तो इंडिया के दुश्मन कहलाने के भी काबिल नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के जो मौजूदा सूरत हाल है। अच्छा, एक चीज हमेशा कहा जाता है कि पाक आर्मी जिंदाबाद, नो डाउट हम भी अपनी पाक आर्मी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक हमेशा से कंपैरिजन रहा है इंडिया और पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर के दरमियान, ना कि पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं हमारा डिफेंस सेक्टर जो है वो ज्यादा बड़ा है, ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा पावरफुल है, इंडिया वाले अपना क्लेम करते हैं। तो आप न्यूट्रल होकर हमें बताएं, आपको क्या लगता है अगर हम दोनों कंट्रीज के डिफेंस सेक्टर को देखें तो आपको क्या फर्क नजर आता है, क्या लगता है कौन सी बेहतर है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम इनकी कंपैरिजन कर ले तो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो टेक्नोलॉजी में हम उनसे बहुत पीछे है। आपने कहा कि बहुत सारे जो वो आए दिन एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनके पास उनके जो वेपन्स है और मिसाइल्स वगैरह और बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत डेवलप्ड है, सो हम उनसे काफी पीछे है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते
सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे डीआरडीओ और इंडियन नेवी को कि उसका जो ये परीक्षण है सफलतापूर्वक सफल हुआ है, उसके लिए मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और बाकी जो पाकिस्तान के मदरसे आप लोग जो मीडिया में आके भोंक रहे हैं उसको मेरी ओर से यही आंसर है, जो आप हर बार बोलते हो ना हमारे पास जज्बा है, इन मिसालों से डर नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं, अब आपके पास जज्बा रखो और ज्यादा हो जाए तो उसका जो मतलब ये अच्छे से उसको मोड़ थरोड़ करके पिछवाड़े पे घुसेड़ देना, उसके ज्यादा उससे अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको लगता है कि भारत के पास पैसा है तो ये सब कुछ कर रहा है, हमें डरा रहा है, तो भाई हमें आपको डराने की धमकाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम हमारी इतनी कहाँ औकात है कि हम आपको डराए धमकाए। जो बंदा मर मर के जी रहा, खाने के लाले, उसको डराए, उसको धमकाए, तो ये फिर तो हमारे लिए नामर्दान की जैसी बात हो जाएगी। हम आपको क्यों डराए भाई, क्यों धमकाए, हमारे पास है, हम उसका टेस्ट, हमें टाइम टू टाइम टेस्ट करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी से आप परे, ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जो नॉलेज है वो राउंडेबल जीरो है, तो आपको पता ही नहीं है भी दुनिया मतलब बोलते ना फैट ही लगती है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी होती है उसका टाइम टू टाइम परीक्षण करना जरूरी होता है, क्योंकि ब्रह्मोस कितने टाइम तक रहती है, कितने टाइम चलता है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसकी मतलब एक्सपायरी डेट भी देखनी पड़ती है ना भाई, तो ये सब कुछ के लिए टेस्टिंग किया जाता है, किसी देश को धमकाने या किसी देश को डराने के लिए नहीं होता है, ये सारा टेस्टिंग होता है, उससे डेटा जो मिलता है उस डेटा से ही डिसाइड सब कुछ किया जा सकता है, ठीक है। तो आप आपको लगे भाई डरा रहे धमका रहे था, वो आपकी मर्जी है, तो डरते रहो, वो तो अच्छा है, आप बाबू से तो डरने, और हमारे दुश्मन हमसे डरे ये हमारे लिए अच्छी ही बात है, बुरी तो बात है नहीं, और आपके लिए बुरी हो अच्छी हो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तानी हो आप जलसा करो, बस आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और अगले वीडियो में आपके साथ, टिल देन जय हिंद जय हिंद जय भारत।